आज का अनवान पाकिस्तान रेलवेज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त जब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहसिन इशफाक और मैं एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हो गया। और दोस्तों, आज का जो अनुमान है वो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन की मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम आपको इसके किराया जात औकातकार और मज़ीद तफसीलात फराहम करेंगे। उम्मीद कर सकता हूँ इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन की डॉक्यूमेंट्री। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मुसाफरों की ट्रेन है जिसको पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़ेर इंतज़ाम चलाया जाता है। इस्लामाबाद वफाकी दारुलहुकूमत से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन चलती है। इस ट्रेन की पहली सर्विस 15 मई सन 2015 को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने की थी। ट्रेन की रफ्तार 105 किलोमीटर है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि ट्रेन की औसतन रफ्तार 72 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से है। ग्रीन लाइन ट्रेन का ओवरव्यू कुछ इस तरह से है कि इसकी सर्विस टाइप इंटरसिटी रेल है। पहली सर्विस सन 2015 में हुई थी, जबकि मौजूदा ऑपरेटर्स पाकिस्तान रेलवेज है। ग्रीन लाइन ट्रेन के दो राउट टर्मिनल है, कराची कैंट टर्मिनल, इस्लामाबाद टर्मिनल। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन के टोटल 9 स्टॉप्स हैं इस सफ़र के दौरान में। ग्रीन लाइन ट्रेन के सफ़र का दौरान यह 21 घंटे, जबकि इसका कुल फासला है 1521 किलोमीटर, जो कि कराची पिशावर रेलवे लाइन के ज़रिए से तय करती है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। ग्रीन लाइन ट्रेन की सर्विस फ्रिक्वेंसी डेली की है। ये ट्रेन रोज़ाना की बुनियाद पे इस्लामाबाद मारगला रेलवे स्टेशन, जबकि कराची के रेलवे स्टेशन से मुख्तलिफ औकाते कार में निकलती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान रेलवेज अपनी हर ट्रेन को दो कोड्स देता है, अप एंड डाउन, इसी तरह से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के भी दो कोड्स हैं, 5 अप 6 डाउन। 5 अप कराची कैंट से चलती है, जबकि 6 डाउन इस्लामाबाद मारगला रेलवे स्टेशन से चलती है। ग्रीन लाइन ट्रेन को GEU 2045-59 इंजन लीड करता है, जो कि पाकिस्तान रेलवेज़ के पावरफुल इंजन में से एक इंजन है। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन की कोचेस की। जब ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन इस्लामाबाद मारगला रेलवे स्टेशन से निकलती है, तो इसमें 8 कोचेस मौजूद होती हैं, जिसमें एक पार्लर क्लास, 2 बिजनेस क्लास, 2 AC स्टैंडर्ड क्लास और 2 ही इकोनॉमी क्लास की कोचेज़ होती हैं। इसके अलावा ब्रेक वैन और पावर वैन इसमें शामिल होती है। जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन में टोटल 18 कोचेज़ होती हैं, जो कि लाहौर रेलवे स्टेशन में जाके शंट के बाद दोबारा से ऐड की जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के किराए जात की। इस्लामाबाद मारगला रेलवे स्टेशन से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक इकोनॉमी क्लास का जो प्राइस है वो है 4,300 रुपये, जबकि AC स्टैंडर्ड क्लास की प्राइस है 7,950 रुपये। AC पार्लर क्लास का जो फेयर है वो है 8,950 रुपये इस्लामाबाद से कराची रेलवे स्टेशन तक, जबकि AC स्टैंडर्ड बिजनेस क्लास का जो फेयर है वो है 9,850 रुपये इस्लामाबाद मारगला रेलवे स्टेशन से लेकर कराची कैंट रेलवे स्टेशन तक। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन की नुमाया खसूसियात अब डिस्कस करते हैं। ग्रीन लाइन पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की नुमाया खसूसियात में बिल्कुल नई चाइना से दरामद शुदा लग्जरी कोचेस हैं, जदीद रेल कार के आइन मुताबिक रिफ्रेशमेंट, डिनर, सुबह का नाश्ता, पीने के लिए साफ पानी मुहैया किया जाता है, हाई TV मुहैया की जाती है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के सफ़र में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के सफ़र के दौरान आने वाले रेलवे स्टेशंस के बारे में, जहाँ पे ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन मुख्तसर और तवील दौराने के लिए रुकती है। सबसे पहले ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन, जिसका कोड 6 डाउन है, वो मारगला रेलवे स्टेशन से 3 बजे निकलती है और 3:20 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर आती है और 20 मिनट का यहाँ पर क़याम फरमाती है। उसके बाद 3:40 पर रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से निकलती है और 3:50 पर चकलाला रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहां पे 2 मिनट का क़याम फरमाती है। 2 मिनट के क़याम के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन लाहौर के लिए रवाना हो जाती है और रात के 8 बजे यानी कि चकलाला से ले कर लाहौर तक 4 घंटे और 8 मिनट का सफ़र तय करती है और 35 मिनट के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकती है। लाहौर रेलवे स्टेशन के बाद ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन खानेवाल जंक्शन स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन रुकती है रात के 12:05 पर और रात 12:25 पर यह दोबारा से अपने सफ़र के लिए निकलती है। इसके बाद 1:51 पर बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर आती है और 1:53 पर बहावलपुर रेलवे स्टेशन से अगली मंजिल के लिए निकलती है। दोस्तों, इसके बाद सुबह 6:35 पर यह रूड़ी जंक्शन पर पहुँचती है और
6:55 पर रोहरी जंक्शन से निकल जाती है। इसके बाद 11:10 पर यह हैदराबाद जंक्शन पर पहुंचती है और 11:15 पर हैदराबाद जंक्शन से अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाती है। हैदराबाद जंक्शन के बाद ये दिरिग रोड रेलवे स्टेशन कराची में 1:15 पर पहुंचती है और 1:20 पर दिरिग रोड से निकल के अपनी आखिरी स्टेशन यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन के लिए जाती है और एग्जैक्ट 1:50 पर यह अपना सफ़र मुकम्मल करती है। यानी 21:12 के दौरानिए में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन अपने सफ़र को मुकम्मल करती है। हालिया दौर में ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन का पाकिस्तान रेलवेज़ में होना अवाम और रेलवे इदारे दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ इसी तर्ज अमल के मजीद रेल कार चलाए जिससे अमावन नास को आरामदेह सफ़र मिले और रेलवे इदारे को खातिर ख्वाह मुनाफा हासिल हो। और दोस्तों देखते ही देखते ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रवानगी का वक्त शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से रवानगी कर रही है अपनी अगली मंजिल के लिए। नज़ारे आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़ द मोस्ट लग्जूरियस द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन ऑफ पाकिस्तान रेलवेज़। उम्मीद कर सकता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी ये पेशकश ज़रूर पसंद आएगी और आप तमाम दोस्त अहबाब से इस चीज़ की भी उम्मीद कर सकते हो कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे और अपनी कीमती राय हमारे इसमें देंगे। तब तक के लिए आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ़ से मोहसिन इशवाक की तरफ से अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।